आज पूरे देश में दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। घरों से लेकर बाजार तक सजे हुए हैं। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर अपने बच्चों के साथ दीपावली मनाने के लिए चाईबासा के मुखबधिर विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों को खाने पीने का सामान और फटाके दिए और उनके साथ दीपावली की खुशियाँ साझा की। हर साल दीपावली के मौके पर वह यहाँ बच्चों के साथ त्यौहार मनाने आते हैं। दीपावली मनाने पहुंचे मंत्री ने विद्यालय की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने आम लोगों से भी मुखबधिर बच्चों के सहयोग की अपील की। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि यहां आकर उन्हें दीपावली की सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अभी आया तो पता चला कि यहाँ की बाउंड्री टूटी फूटी हुई है, तो मैंने इनको आश्वासन दिलाया है कि अभी उपायुक्त महोदय से मैं बात करूँगा और फिर कहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ की बाउंड्री को दुरुस्त कराया जाए ताकि बच्चों के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और यहाँ आकर सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, दीपावली की सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ आकर बच्चों के बीच मिठाइयाँ बाँट कर और पटाखे उन्हें उपलब्ध कराकर, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। इस बार तो कोरोना के कारण काफ़ी बच्चे जो डिफेंड बच्चे हैं वो स्कूल कोरोना के काल से ही बंद है उनका, तो बच्चे तो घर पे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं वो यहाँ हैं, संख्या कम है, लेकिन आए हम और बच्चों को काफ़ी खुशी हुई, बच्चे भी काफ़ी खुश हुए और हमें भी बहुत खुशी मिली, शांति। झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन चाईबासा पहुंचे और यहां मां काली की पूजा कर राज्य और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री चंपाई सोरेन के आगमन पर आमलाटोला सार्वजनिक काली पूजा कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। मंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और खरसवां के विधायक दशरथ गागराई ने दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर और नारियल फोड़कर मां काली की पूजा की और आशीर्वाद मांगा। काली पूजा में शामिल होने पहुंचे मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इस संसार में माँ एक महाशक्ति है, अलग अलग रूपों में इसके द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। माँ काली से हम सभी की प्रार्थना है कि देश और समाज से अत्याचार दुराचार को समाप्त कर मानवता की भावना को पैदा करें। चलाना अपना संसार में, अपना घर में सुखी दिखना चाहते हैं या अपना कुछ धन आवश्यकता को हम लोग पूरा करने का इच्छा है तो माँ लक्ष्मी को हम लोग याद करते हैं, वही हम लोग का अच्छा संसार, अपना परिवार के बीच में धन कभी उन्हीं का देन हो, वही माँ लक्ष्मी है। इसी तरह इस शरीर में यदि अच्छा शिक्षा ज्ञान यदि हम लोग को प्राप्त करना है तो माँ सरस्वती को हम लोग याद करना पड़ता है। उसी तरह इसी जंगल झाड़ में कोई विषालु से भी यदि हम लोग को बचाना है वो भी माँ मनसा ही है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा सदर बाजार स्थित काली मंदिर में माँ काली की पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने माँ से राज्य और क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। काली मंदिर के बाहर लोगों से मिलकर विधायक ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। देश में पेट्रोलियम पदार्थों खासकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें अचानक कम हो गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत घटाने पर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने में केंद्र सरकार को सहूलियत हो रही है। दरअसल यह सब कुछ एक चुनावी स्टंट है, लेकिन जनता सब कुछ देख और समझ रही है। जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। देखिए, केंद्र सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि इन्हें पेट्रोल डीजल का दाम इन्हें कम करने में सहूलियत हुई। ये जनता सब कुछ देख रही है, जान रही है, समझ रही है। आज ये इनका एक
चुनावी ये इनका घोषणा है, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये पूरी तरह से चुनाव से प्रेरित है, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिर से जैसे प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे फिर से बढ़ने लगेंगे, और आज जो दाम घटाया गया है उससे ज़्यादा आपको यूपी चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा।